नगर में भिड़ेंगे नेता, दांव पर होगी साख, हर दल लगाएगा बल, शहर में होगा दंगल। नगर निकाय चुनाव 2018 महासंग्राम पर पलामू कैपिटल न्यूज की खास पेशकश, सत्ता का सेमी फाइनल, देखते रहिए सिर्फ कैपिटल न्यूज पलामू। नमस्कार, कैपिटल न्यूज जो आपके पसंदीदा पलामू जिले का सबसे बड़ा चैनल और लोकप्रियता लगातार बढ़ता जा रहा है वो चैनल, कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ नया खास करने की जरूरत समझता है, तभी तो बेहतर आवाज बनता है। और इस आवाज का आज फलसफा है कि आज नगर निकाय चुनाव 2018 का सबसे बड़ा डिबेट शो क्रॉस फायर अपने आप में नई ऊंचाई छुएगा, जब हमारे सामने तीन बड़े धुरंधर नजर आ रहे हैं। धुरंधर क्या कहें कि वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पे तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे उनकी उम्मीदवारी है, उनका दावा है। और उस दावे को किस रूप में ये सजाएंगे ये हम जरूर समझेंगे। मैं हूं एपी लकी और आज हमारे साथ डिबेट में मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से श्री सुनील तिवारी, जिनके बारे में कहना मुश्किल नहीं, आप जानते होंगे कि ये निर्मला तिवारी के पति हैं जो मेयर पद की प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं राष्ट्रीय जनता दल से श्री संजय साहनी और वो नीलू साहनी के पति हैं। इसके अलावा हमारे साथ पैनल में आज जिनका इंतजार, शायद जिनकी आवाज को सुनने का जिनके जवाब को सुनने का तहे दिल से 5 सालों नहीं बहुत दिनों से इंतजार है, उनका आज उन्होंने हामी तो भरी थी लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। संयोगवश हम इंतजार फिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूर्व नगर अध्यक्ष या कहें कि नगर पिता की पदवी पाए सुरेंद्र सिंह, जो हमारे पैनल में हैं, अभी तक नहीं पहुंचे। हमारी कोशिश रहेगी कि वो जल्द से जल्द आ जाएं और हम उन तक सवाल पहुंचाएं आपके और उनसे हम जवाब लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस फायर के इस सत्ता का सेमीफाइनल इस डिबेट में। हम पहला सवाल संजय साहनी से इसलिए सवाल जो कहीं ना कहीं नगर निगम में 40 साल का इनका अनुभव है और 20 साल की उम्र में जब ये एक प्रतिनिधि के तौर पर बोर्ड में गए, उसके बाद से आज तक की कहानी हम जरूर उनकी जुबानी सुनना चाहेंगे कि पहले का डाल्टनगंज वो 20 साल का डाल्टनगंज और आज 60 साल का मेदिनीनगर नगर निगम, कितना बदलाव और कितना रूप दिख रहा है। जब हम वार्ड कमिश्नर हुआ करते थे उस वक्त और आज का वक्त बहुत बदला। हमारे टाइम में फंड भी नहीं हुआ करती थी, हम लोग डीएम से फंड लेके जी काम कराते थे जी जी, और यदा कदा कोई एमपी एमएलए दे देता था उस फंड से काम होता। जरा ध्यान से सुनिए कहानी आ रही है मेदिनीनगर नगर निगम की जी। वक्त बदला, लोग बदले जी, जमाना बदला जी, दुनिया चांद पे चली गई मगर डाल्टनगंज शहर नहीं बदला, वही के वही रह गए। किस रूप में देखते हैं, क्या पहले था वो आज भी वही स्थिति क्यों मानते हैं? किस रूप में देखते हैं क्यों स्थिति है? स्थिति किसी को संस्था को चलाने के लिए जो उसका मुखिया होता है जवाबदेही तो उसी की बनती है। बिल्कुल, 70 साल से एक ही आदमी एक ही पद पर आसीन है। आप अगर एक आदमी नहीं कह सकते, एक परिवार है। उन्होंने कोई विकसित करने के लिए डाल्टनगंज को सोचा ही नहीं। ईमानदारी अच्छा। से अगर वो सोचते तो आज डाल्टनगंज कहां से, एक विजन होना चाहिए काम। इसीलिए शायद लगातार चुनावी लड़ाई तो लड़ रहे हैं आप। हाँ, लड़ तो रहे हैं चुनावी लड़ाई। देखिए, चुनाव में जीत हार तो सबकी होती है, है ना। पिछले बार मैं जब हारा था 1400 वोट से हारा था, तो वो इस बार गेप भर दूंगा। पब्लिक बदलाव चाह रही है जी, पब्लिक ये जानती है कि मुझे इस बार बदलना है, क्योंकि पानी नहीं है, टैक्स इतना बढ़ गया है मुझ पर, टैक्स खाने के लिए पैसा नहीं है, अब टैक्स पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, वो कहां से देगा टैक्स? तो मेरी पत्नी खुद समझदार है, देश विदेश का दौरा की हुई है, जहां जहां उसके पापा फॉरेन में थे वहां रही हैं, आज विगत 30 सालों से डाल्टनगंज में हैं। और नीलू साहनी को ये बताने की जरूरत नहीं है
कि वो काम कैसे करेंगे, उसके पास एक विजन है, अनुभव है। नहीं, वो तो हमारे हमारे हमने बात की तो उसमें छलका भी कहीं ना कहीं हाँ। शिक्षित और सरल स्वभाव व्यवहार की अगर कहीं जाए तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि नीलू साहनी है। हाँ। अब हम बढ़ते हैं सुनील जी की ओर, जिनका अगर कहें तो राजनीतिक सक्रियता लगभग 40 सालों का है, और 40 सालों के राजनीतिक सक्रियता के बाद पहली बार कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं चुनाव में, कि कैसे दिल मन किया कि हाँ चुनाव में आना चाहिए, वो भी मेदनगर नगर निगम में। नमस्कार, मेदनीनगर निवासियों को और कैपिटल न्यूज के सभी कर्मचारी और पदाधिकारियों को, पलामू प्रमंडल के इतिहास में प्रथम बार निगम का चुनाव होने जा रहा है। मेदिनीनगर जो कभी नगर पालिका हुआ करती थी, नगर परिषद के रूप में परिवर्तित हुई और आज नगर निगम बनकर खड़ी होने जा रही है। इस नगर निगम में 9 ग्राम पंचायत समाहित किए गए। जो गांव हैं अभी भी मूल रूप से कई ऐसे इलाके हैं जो गांव ही है। बिल्कुल बिल्कुल, गांव के लोगों की समस्याएं अलग हैं, शहर की समस्या तो है ही। और मैं अपने आप को इस मामले में सौभाग्यशाली कह सकता हूं कि मेरी पत्नी निर्मला सिंगरा ग्राम में जिसका जन्म हुआ है वहीं पली बड़ी है और रेणमा की बहू बनी है। इस तरह से गांव और शहर दोनों को नजदीक से देखने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, वस्तुतः इस नगर निगम में एक ऐसे महापौर की आवश्यकता है जो गांव और शहर दोनों को एक साथ लेकर चले जी, उनकी समस्याओं को समझे और उनका समाधान करे जी। यहां तक हम लोगों ने समझा है कि नगर में परिवर्तन तो हुए हैं, परिवर्तन तो प्राकृतिक का स्वाभाविक नियम है और जनसंख्याएं बढ़ती चली गई, सड़कें भी कुछ चौड़ी हुई, जैसे हम छेमुहान से चलते हैं बड़ी मस्जिद के से जो रोड निकलती है तो वह सड़कें चौड़ी हुई, लेकिन दुर्भाग्य है कि सड़क चौड़ी होने के उपरांत भी यातायात की जो समस्या आज के 30 साल पहले थी आज उससे भी बढ़ गई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ा है नगर में, भीड़ बढ़ा है। लेकिन यही तो है कि परिवर्तन तो हर रूप में होता है, लेकिन परिवर्तन एक मामले में नहीं हुआ, नहीं नगर निगम में। नगर निगम में परिवर्तन एक ही मामले में नहीं, मैं कहूं कई मामले में परिवर्तन नहीं हुए। हम तरस जाते हैं जब एक छोटी सी पार्क की कल्पना भी करते हैं कि एक ऐसा पार्क हो जहां अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ क्षण बिताए जाए। ख्वाहिशें मेदिनीनगर नगर निगम की नहीं बदल पाई, पूरी नहीं होती, ख्वाहिशें पूरी ही नहीं हो पाई। और ये कहीं आप संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी जी, मैं सुनील भाई छोटे भाई है हमारे जी, और इन्होंने एक बात कही कि रोडे सड़कें चोरी हुई है। मैं इस पर कहूंगा जी कि जो ये इन्होंने सड़क का बताया छमहान से लेके कचहरी तक, वो सड़क पीडब्ल्यूडी की है, मुश्किल की नहीं जी। उसका मेंटेनेंस पीडब्ल्यूडी करता है। मैं ये बात, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बदला नहीं, जैसे जैसे अगर सतत विकास की बात की जाए तो थोड़ा बहुत बदलाव तो नहीं, बदला बद से बदतर स्थिति है। जो कैंडिडेट अगर गांव पे गया है, जो कैंडिडेट शहर में घुमा है, वो आपको ये कभी नहीं कहेगा कि बदला हुआ है। आप जाके देखिए वहां नालियां बदबदा रही हैं, इतनी बुरी स्थिति में लोग जी रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति में जी रहे हैं कि जानवर भी वहां नहीं बैठ सकता है, तो इंसान बैठ रहा है वहां, मर रहा है, मगर उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आप पहाड़ी मोहल्ला चल जाइए, बिल्कुल है ना, आप भट्टी मोहल्ला चल जाइए, रहा गांव की सवाल, और वो भी नदी के किनारों किनारे के इलाके, ये इतनी गंदगी जी, पानी पीने को नहीं है, एक एक घंटे लाइन में लग के लोग, क्योंकि सवाल तो है पानी ठीक है, जिसके सर साज ताज सजा
जो इसको रहनुमा जनता ने बनाया उसने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिनिधि तौर पे आप लोगों को भी वोट मिला, लेकिन विपक्ष की भूमिका कभी नजर नहीं आई, कभी सलाहकार कभी विरोध का दामन आप लोगों भी नहीं था, नहीं आप शायद भूल रहे हैं जी, मैंने हमेशा आवाज उठाई है, हमेशा आवाज उठाई है। हाँ ये था कि उस समय कैपिटल न्यूज आपका नहीं था जी, तो मैंने पत्रकारिता के माध्यम से मैं पत्रकारिता में हूँ। हाँ तो मैं आपको याद होगा कि मैं पत्रकारिता के हिसाब से हमेशा उन पर चोट पहुंचाई है, जहां जहां वो पानी नहीं पहुंचाए, चाहे वो किसी, अभी देखिए पानी की समस्या है, पिछला जो फेज आया था उसमें इन्होंने कुछ किया नहीं, सेकंड फेज आया, पिछला फेज का ठेकेदार ही भाग गया, हम जैसे सॉरी किसे मानते हैं जिम्मेवार, जिम्मेवार और कौन होगा, देखिए सोच पद पर तो अध्यक्ष बैठा है तो जिम्मा तो अध्यक्ष ही होगा ना जी, और जैसे आप सेकंड फेज अभी जो आया है अब उसमें फिर से पानी की व्यवस्था करनी है, आप किसे जिम्मेवार मानते हैं, जो हालात हैं उनमें कौन जिम्मेवार है? प्राथमिक तौर पर तो जवाबदेही अध्यक्ष की बनती है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस शासन के की जो व्यवस्था है, जो इनके तरीके हैं, बहुत हद तक वे भी जिम्मेवार हैं। अभी जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सेकेंड फेज की जो निविदा थी वह किसी न किसी कारण से स्थगित कर दी गई जी, कैंसिल कर दिया गया, परंतु पुनर्निविदा की व्यवस्था अभी तक नहीं बनाई गई, बिल्कुल इसके लिए राज्य सरकार ही दोषी है। और आश्चर्य होता है कि हमारे यहाँ के मंत्री, हमारे यहाँ के लोग इस व्यवस्था से परिचित होते हुए भी वे केवल आश्वस्त करते हैं, आश्वासन देते हैं और मौसम बदलते जाते हैं, गर्मी फिर सर पे आकर खड़ी हो गई है, और गर्मी के बाद पानी मिलता है और शायद गर्मी में कहीं ना कहीं कंबल मिलता है, ये बातें हैं लक्की जी, व्यवस्था तो आश्चर्य की बात ये है कि भ्रमण के क्रम में हमने देखा कि नदी किनारे बसने वाले हमारे मोहल्ले जो पहाड़ी मोहल्ले हैं, हमीदगंज मोहल्ले हैं, बेलवा टीके हैं, पंपूकल के नाम से कुछ एरिया जाने जाते हैं, ये सारे इलाके नदी के किनारे और इन्हीं में जबरदस्त पानी की कमी, यही प्यासे हैं, ये कौन सी योजना बनाई गई है सरकार के द्वारा? आप क्या मानते हैं किस तरह से इसे पार पाया जा सके? इसका समाधान मेरे पास है जी, मैं छोटा छोटा जल मीनार बनाकर दो दो मोहल्लों को एक एक साथ जोड़कर, तैयारी है, सोच है, जज्बा है, तभी तो मैदान में है जी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैनर तले कहीं ना कहीं मेयर पद के प्रत्याशी निर्मला तिवारी को जिताने की कवायद में जुटे हैं और उनकी साफ दांव पे है, तो कहीं ना कहीं जज्बात है कि इस नगर निगम को स्वच्छ स्वस्थ और सुंदर बनाया जाएगा। आप सवाल करना, आपने कहीं क्रॉस फायर में क्रॉस करने के मूड में है जी, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, शायद हर जवाब में अध्यक्ष पर सवाल उठ रहे हैं, शायद सुरेंद्र बाबू जल्द से जल्द कैपिटल न्यूज के इस लाइव डिबेट शो क्रॉस फायर में पहुंच जाते तो इस डिबेट शो पूरा हो जाता, वजह साफ है, सवाल उठेंगे तो जवाब चाहिए। मैं अपने सुनील भाई से बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, इसलिए सहमत नहीं हूँ, इन्होंने काम उस पलटी जवाब दे रही है, राज्य सरकार बीजेपी सरकार, ठीक है बीजेपी सरकार, कहीं ना कहीं देखिए एक बात तो उठता है, मेयर रहे या नहीं, डिप्टी में रहे या नहीं, लेकिन पार्टी एक ही है जो भारतीय जनता पार्टी, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ जो काम को कर सकती है, पूनम जी बीजेपी पार्टी से ही थी जी जी, मानते हैं ना इस बात, बिल्कुल मानते हैं। तो सुनील भाई आप ये देखिए कि बीजेपी को आप बना रहे हैं, अरे बीजेपी भी तो वही है, बीजेपी भी तो वही है, कोई बाहर से थोड़ी आई है, दोनों एक हैं, एक हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ दोनों एक हैं, इसलिए हम ये ठीकरा बीजेपी पर ना फोड़े, हम डायरेक्ट में बात करें। और बीजेपी कभी कभी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है, तीन साल से उनकी सरकार, तीन सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार तो नकारी है ही, उन्होंने सिर्फ वादे दिए, काम तो कुछ किया नहीं, उन्होंने तो सिर्फ वादे दिए जी, उन्होंने एक जनता को छलावा दिया, एक अच्छे हसीन सपने दिखाए, एक चले चूंकि बीजेपी के प्रतिनिधि नहीं है इसलिए इन सवालों के घेरों से अलग उठा। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो है ये सब अध्यक्ष के अंदर ही आता है, कोई बीजेपी के अंदर नहीं आता, मैं मुस्लिम में रहा हूँ जी। अब जैसे टाउन लीज का मामला आया था बीच में, तो कुछ लोगों ने उठा दिया कि मैं टाउन लीज करा दूंगा, अरे यार बोलने के पहले ये सोचो टाउन लीज तुम्हारे अंदर आता कहां से, वो प्योर सरकार का मामला है जी,
वो म्युनिसिपल के अंदर है ही नहीं, तो बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी नहीं है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी दे दिया कि मैं टाउन लीज कर दूंगा। तो अब जरा विजन काम करने का, इसीलिए कार्यक्रम को हम चला रहे हैं। वजह है कि आप जाने बहुत सारी बातें हैं जो शायद विजन में अछूते रहते हैं। आप बता जी, अनुभव लें संजय जी से। शहर का जो विजन है, तालाब है, आप उसका सुंदरीकरण कर सकते हैं, गढ़ा करके उसको सुंदरीकरण करके बोर्ड डाल दीजिए, बच्चे जाके बैठे, बिल्कुल हर चौक चौराहे पे फुहारा बना दें, लाइटिंग व्यवस्था कर दें, पार्क बना दें। अब जो आपका नया शहर बन रहा, मानते हैं कि जगह है लेकिन उसे सजाया नहीं जा रहा है, सजाया नहीं जा रहा है। ट्रैफिक, ट्रैफिक दो दिन में कंट्रोल हो जाएगा, अगर आप में ताकत है तो दो दिन में कंट्रोल। देखिए, करवाने वाला चाहिए, है ना। अगर वो है ना, एक शहर है वो, मैं चलिए शहर में क्या बोलूं, चलिए आपके यहां बैठा हूं, नहीं नहीं चलिए, मगर ये बता रहा हूं कि खुद में जज्बा होना चाहिए काम करने का, और जज्बा में कमी थी इसलिए आज तक कोई काम नहीं हुआ। जज्बा में कमी थी इसलिए कोई काम नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं ये दोनों हमारे साथ बैठे पैनलिस्ट जेएमएम से सुनील तिवारी जी और आरजेडी से संजय सानी, दोनों की बातों से एक बात साफ है कि अगर जज्बात हो तो, और शायद इसीलिए अपने आप को विकल्प के तौर पे पेश किया है। हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, और इस विराम के बाद हम इनके बाद हम कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं कि सुरेंद्र सिंह इस पैनल में जरूर आए, इस डिबेट में शामिल हों, ताकि कहीं ना कहीं नगर निगम बोर्ड की समस्याओं और बाकी उनसे जुड़े सवालों का जवाब दे सके। अनुभव, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, व्यवहारिकता का धनी एकमात्र डिप्टी मेयर प्रत्याशी परमेंद्र कुमार बाबू को अपना वोट दे। क्रमांक संख्या 2 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह तीर धनुष छाप पर बटन दबाएं और विकसित नगर निर्माण में अपना योगदान दें। मेदिनी नगर में होगा सबका सम्मान, परमेंद्र बाबू फूकेंगे नगर निगम में जान। अच्छा मिल रहा है, उन लोग का उम्मीद है हमसे कि अगर ये आती हैं अति में मेयर पद पे तो हम लोग के लिए कुछ करेंगे। 16 अप्रैल को जाना है ना वोट देने। तो मेयर पद में ईवीएम मशीन में क्रमांक संख्या 7 पर बन जा छाप पर ही बटन दबाइएगा। स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर एवं सुरक्षित मेदिनी नगर निर्माण के लिए मीना देवी को जिताएं, तभी तो होगा हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। डॉक्टर रश्मि प्रसाद एवं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा एवं टीम के सदस्यों की उपलब्धि। इमीटो फर्टिलाइजेशन IVF प्रक्रिया द्वारा सफलतापूर्वक वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर में हुआ। आप सभी के आशाओं पर खरा उतरने का सतत प्रयासरत डॉक्टर रश्मि प्रसाद का संदेश उन सभी जोड़ियों के लिए जिन्हें संतान सुख अभी तक नहीं मिला, एक बार वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर अवश्य पधारें। प्रयास करते रहना ही सफलता के नए आयाम की कहानी रचेगा। मैदानी में टीवी था, बच्चेदानी में टीवी था जी, उसके बाद इलाज वगैरह चला, इलाज वगैरह चला, बहुत जगह दिखाया अपना जानते। IVF के द्वारा बच्चा हुआ जी। वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर, हाउस नंबर 234/235, पाटलिपुत्र कॉलोनी, नजदीक लड्डू गोपाल स्वीट्स, पटना 13। मोबाइल नंबर 9771038137 और 8051761659। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है कैपिटल न्यूज लाइव डिबेट के सबसे बड़े शो क्रॉस फायर में। हम तमाम तरह की बातों को, सवालों को समझना इसलिए चाहते हैं ताकि आपको आसानी हो 16 अप्रैल को, क्योंकि एक बटन आपकी जिंदगी को, आपके नगर निगम को बदल सकता है, आपको एक स्वस्थ, स्वस्थ और सुंदर शहर दे सकता है, और इसकी दरकार कहीं ना कहीं है। अब पलामू बदल रहा है, पलामू जिला मुख्यालय मेनर का मिजाज बदल रहा है, वो खुद को शहरी होना चाहता है, और इसलिए तो नगर निगम का क्षेत्र बढ़ा लेकिन सुविधाएं नहीं मिलने का डर है। एक डर है, कहीं ना कहीं एक डर है
कि सुविधाएं नहीं मिलेंगी, टैक्स तो बढ़ गए, क्या समझते हैं लोग, क्या कहते हैं जब दौरा में जाते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, टैक्स का रोना हर लोग रो रहा है। जिसकी दो दो एकड़ जमीन है, खाने के लिए पैसा नहीं है, आप उसको बढ़ा देंगे टैक्स, कहां से दे पाएगा वो? एक जून की रोटी नसीब नहीं है। तो मेरा पहला, मैंने नीलू सानी का ये पहला है कि वो टैक्स रिमूव करके उसको पिछले टैक्स पर लाना, ये सबसे पहला उसका विजन। दूसरा, पानी, घर घर में पानी पहुंचाना, हर घर में, कोई ये नहीं कहे, और ये नहीं उस पर मीटर लगा देना 2400 घंटा पानी दे रहा। ये नया चीज, हाँ, मीटर लगा के 2400 घंटा पानी देना, ठीक है। तीसरा, जो सड़क के किनारे गरीब बसते हैं, हर बार देखते हैं, हर महीने उसको उजाड़ दिया जाता है। हाँ। क्योंकि वो बेचारे रोटी तो उनको दो जून की नसीब नहीं होती, वो चोरी अगर डकैती करते हैं तो प्रशासन उसको फिर पकड़ेगा कि आप चोरी डकैती करते हैं, या वो मर्डर करेगा, कहाँ जाएगा? चाहे मैं भी उसके जगह पर होऊंगा तो मैं भी तो वही करूंगा। कहीं ना कहीं प्रतिनिधियों को उनके सवारने का, जिंदगी सवारने का कहीं तो हम जो पहला नीलू सानी ने कहा है कि मैं पहला रोड नापी करके जो भी रोड से हट के जमीन है जहां वो परमानेंट सोल्यूशन हो सके, उन सबों को दुकान बना के दूंगी, उनको जीने का अधिकार दूंगी। जी, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी है, कई दुकानें बना करके तैयार है जिनसे कर वसूले जाते हैं, लेकिन जो बेरोजगार है उनके बारे में इनको दरकार है रोजगार का, उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता। सवाल तो बड़े हैं, क्या लगता है आपको कि नगर निगम में इस बार क्या क्या खास करने की जरूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात उठता है कि टैक्स बढ़े हैं और आप रेडमा के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड में माने जाते हैं। मेरा तो सीधा बात है कि सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, सुविधा के साथ ही टैक्स को जोड़ा जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में भी तो नहीं रहेगा, ये हमारे हाथ में तो नहीं रहेगा, लेकिन हम इसकी लड़ाई तो लड़ सकते हैं। जी, जन आंदोलन बना सकते हैं, जनता के साथ लड़ सकते हैं, क्योंकि जनता वोट देगी, लड़ सकते हैं। और मूल रूप से हमारा जो विजन है, अगर आप www.nirmalatiwari.com पे जाएं, जी, तो मेरा पूरा प्लानिंग तैयार है। अच्छा। हमने केवल समस्या को नहीं रखा है, समस्या का समाधान क्या हो उसकी भी बात मैंने की। जी, जेएमएम प्रत्याशी हाईटेक है, सतत विकास हमारा मुद्दा है। हम टैंकर से पानी सप्लाई करने के ख्वाहिशमंद नहीं है। जी, तात्कालिक व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। हम अगर पानी सप्लाई के लिए वाटर टैंक का निर्माण करेंगे तो हम पानी संचय के लिए वाटर रेन हार्वेस्टिंग का भी व्यवस्था करें। मुद्दा पानी है, पानी को पहुंचाने के लिए और तैयारी है, हर घर पानी, लेकिन विपक्षी को भी पानी पिलाने के लिए तैयार है। हाँ। तो समस्याएं तो हमारे शहर में बहुत जटिल हैं, चूंकि काफी लंबे समय से समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है, जैसा कि संजय भाई ने बताया। संजय भाई तो उसके प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। जी जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि क्या हमारे शहर की जनता इस तरह की व्यवस्था को पसंद करती आई है कि उनको 70 सालों तक एक ही परिवार के भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा। चलिए, इस बार तो नगर निगम बड़ा हुआ, इस बार तो आप लोग भी जुड़ गए, देखते हैं कहां तक तैयारी होती है। अंतिम एक सवाल हम लेना चाहेंगे, हम डिबेट खत्म करेंगे, चूंकि पूर्व नगर अध्यक्ष और पदवी पाए नगर पिता के सुरेंद्र बाबू नहीं आए डिबेट में, अब ये क्या कारण हो सकता है? चूंकि उन्होंने हामी भरी थी, ठीक है, दौरा हर किसी को करना है, जनसंपर्क हर किसी को करना है, जनाधार हर किसी को बढ़ाना है, उसके लिए चाहे सुनील तिवारी हो या फिर संजय साहनी, हर किसी के पास कहीं ना कहीं है, लेकिन उस सब में समय निकाल करके कैपिटल न्यूज, या हो सकता है कि कैपिटल न्यूज आज छोटा चैनल दबता होगा उनको, लेकिन देश दुनिया के किसी भी कोने में कैपिटल न्यूज को देखा जा सकता है, वो भी लाइव, और इसके लिए कहीं ना कहीं पलामू के इस छोटे से जगह से इस काम को करने के लिए हम अपने तमाम सहयोगियों को, अपने टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और कहीं ना कहीं वाकई में मैं लकी हूं इस मामले में कि मुझे इतना सशक्त टीम मिला है जिसकी बदौलत हम आपकी आवाज बनने के लिए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। अंतिम छोटी बात, जी, कोई छोटा बड़ा नहीं होता,
लेकिन नहीं आना, लेकिन नहीं आना कहीं ना कहीं कचोटता है, कहीं ना कहीं जनता जानना चाहती है, सुनना चाहती है, हो सकती है कुछ जी जिसके चलते वो नहीं आए। अब किस चीज चलते नहीं आए ये तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि इंतजार था। हाँ इंतजार क्या मानते हैं वो बहुत सारी बातों पर जनता के सुनना। आप भी कहीं ना कहीं उनसे सवाल और जवाब जानना चाहते हैं। नहीं आए, हो सकती है कई बातें उनके साथ हुई हो जी, लेकिन वे नहीं आने की सूचना भी नहीं दी है जी। ये तो निश्चित रूप से आश्चर्य में डालती है, इसलिए कि लोकतंत्र के चार स्तंभों में एक स्तंभ जो आप लोग संभालते हैं मीडिया भी है, और मीडिया के को स्वीकृति प्रदान कर और मीडिया में नहीं आना और उन्हें सूचित भी नहीं करना। नहीं, हम यह बता दें कि कहीं ना कहीं हमने वो आना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने उनसे कोशिश की थी कि वो आए, अपने सवालों का जवाब दे, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं सुरेंद्र सिंह को सुनना चाहती है, कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल, क्योंकि बात सिर्फ एक चुनाव का नहीं है, बात उस चुनाव का है जहां कहीं ना कहीं उनके खिलाफ इतना बिगुल उठ चुका है, इतनी आवाज उठ चुकी है कि खुद उनके परिवार के हिस्से जो कभी उनके सारथी हुआ करते थे वो भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। अंतिम सवाल संजय जी जी, राष्ट्रीय जनता दल कितना जनाधार मानते हैं और कितना मानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के बदौलत नैया पार हो जाएगी इस बार? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की आवाज, गरीब ये कहते हैं मैं गांव में गया तो गरीबों का ये कहना था कि मुझे किसी ने आवाज दिया तो वो लालू प्रसाद जी है, आज बोलने का हक मुझे दिया तो लालू प्रसाद है। और कहीं ना कहीं आप और मैं सब जानते हैं कि यह पलामू जमींदारों की पलामू थी, लोग उनके सामने नीचे बैठे रहते थे, कुछ बात करनी होती थी तो वो बेचारे बोल भी नहीं सकते थे। लालू प्रसाद ने तो उन्हें जबान तो दी है, बोलना सिखाया, बैठना सिखाया, साथ में बैठना कि आप मेरे बगल में बैठो, और हर गरीब को आज उन्होंने अच्छे कुर्सियों पर बैठाया, वो लालू प्रसाद और वो गरीब जनता जो देहात पलामू में भी जनाधार बन रहा है, लेकिन पलामू में ही जनाधार रहा है, लेकिन बहुत हद तक पलामू को भी विकसित नहीं कर पाया राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय जनता दल कैसे करता? अभी तो सरकार निधि तो दिया पलामू, हाँ तो उस समय विकास होता, जो विकास होना था विकास हुआ उनके टाइम में। अब ये तो एमएलए की बात होगी, हम लड़ रहे हैं मुस्पर का चुनाव, चलिए ठीक है। तो राष्ट्रीय जनता दल में आपने पूछा क्या कैसे जाना, उसका जनाधार हर गांव में, हर शहर में, हर घर में बच्चा बच्चा लालू जी का है और उनके लिए वो कुर्बान होना। नहीं, ऐसे तो उनके भाषण के फैन हम भी हैं, इसमें कहीं कुछ शक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं है, अब तो देखना है। आपको क्या लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन या कहें दिसुम गुरु का कितना यहाँ चलेगा सिक्का? झारखंड मुक्ति मोर्चा मूल रूप से झारखंड की ही पार्टी है, यह एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो झारखंड बनने के पूर्व से ही, जिसका गठन हुआ था झारखंड के मुक्ति के लिए, और उसमें यह पूरी तरह से सफल रही। आज विरोधियों के द्वारा एक भ्रम फैलाया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मूल रूप से केवल आदिवासियों की पार्टी है, अच्छा। और नन आदिवासियों को इससे नुकसान हो सकता है, अच्छा। हम लोग इसमें जुड़े हैं और इस भ्रम को, विरोधियों के इस भ्रम को समाप्त कर रहे हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि गत विधानसभा चुनाव में पांकी विधानसभा चुनाव से हमारा प्रत्याशी डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी थे जो कुछ ही मतों से पराजित हुए। गढ़वा में भी मिथिलेश ठाकुर जी ने चुनाव लड़ा। तो ये कुछ चुनाव हैं जो इस बात के प्रमाण हैं कि किस तेजी से पलामू प्रमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विकास हो रहा है, और मैं समझता हूं कि इस नगर निगम चुनाव के साथ ही, और कहीं ना कहीं ये भी सवाल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पलामू प्रमंडल में स्थापित हो जाएगी। स्थापित हो या न हो
वो तो भविष्य है, लेकिन भविष्य इसलिए भी सुनहरा देखा जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे निर्मला तिवारी के रूप में, परमेंद्र कुमार बाबू के रूप में नए नए चेहरे हमेशा जुड़े हैं, चाहे डॉक्टर शशिभूषण मेहता के रूप में या मिथिलेश ठाकुर के रूप में। बातें बहुत सारी हैं और आप सबका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कम से कम आप लोगों ने इतनी व्यस्तम समय में से निकाल करके हमें समय दिया और आप जनता के सवालों के या जनता से रूबरू हो पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज है, एक बात का अफसोस रहेगा जिस पर शायद कहीं ना कहीं सिंगार था वो अधूरा रह गया, कहीं ना कहीं सुरेंद्र बाबू का नहीं आना, कहीं ना कहीं बहुत सारे सुरेंद्र बाबू शायद नहीं आना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि संजय साहनी मेरा कमान संभालेगा। चलिए बहुत दिनों का साथ है शायद ये नरू बाबू का साथ का, इसीलिए मैं नरू बाबू ये कहूंगा संजय बाबू की उस तरह का कमान संभालने के लिए आप क्यों तैयार? नहीं 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 मैंने सुरेंद्र बाबू की बात नहीं, मैंने ये कहा चेयरमैनशिप हमारे लिए छोड़ दिया उन्होंने, ये चेयरमैनशिप हमारे, मैं उनके सुनी उन्होंने चेयरमैनशिप उनके पिताजी भी किए, मैं उनके पिताजी के साथ रहा जी 10 साल में, यही बात है, मैं उनके पिताजी के साथ 10 साल रहा, स्वर्गीय नरू बाबू के साथ मैं उनके साथ 10 साल रहा, सुरेंद्र सिंह के साथ भी 5 साल रहा, हाँ उनके पुत्रों के साथ नहीं रहा। तो मैंने इस बात पर कहा कि वो बहुत सत्ता संभाल चुके हैं, अब वो छोड़े और नए लोग संभाले जी, नए लोग संभाले कहीं कहीं युवाओं को। और अच्छा नहीं लगता है, एक सवाल हमारे दिल में अभी आया कि युवाओं को कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये सोच रहा हूं कि परिवर्तन की जो लहर मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं उसमें युवा पलामू का बड़ा जोरदार हाथ है, उसमें युवा पलामू का निश्चित रूप से बहुत बड़ा हाथ है। और युवा जिस तरह से युवक जुड़ रहे हैं, मैं तो ये कह सकता हूं कि आने वाला 20 तारीख को निश्चित परिवर्तन निश्चित है नगर निगम चुनाव का। हाँ चाहे नगर निगम सरकार कौन बनेगा, नगर परिषद से नगर निगम बदला और बदलाव की उम्मीद की जा रही है। जी जी बदलाव होगी, उम्मीद की जा रही है, कौन होगा ये तो कोई भविष्य करता हम लोग नहीं। चलिए हम अब लेते हैं, हमें दीजिए इजाजत, वजह साफ है, कहीं ना कहीं इस डिबेट को, जिस डिबेट को देखने के लिए आप लड़ाई थे कहीं ना कहीं वो थोड़ा अधूरा रह गया, इस बात का थोड़ा अफसोस है, लेकिन इस बात से हमें, हम ये बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम फिर जाएंगे सुरेंद्र बाबू से मिलेंगे और कहीं ना कहीं उनसे सवाल लेंगे और उन आप तक उनके जवाब जरूर पहुंचाएंगे। हम कैपिटल न्यूज है, हम आपकी आवाज है, स्वतंत्र भी है, निर्भीक भी है और निष्पक्ष भी है। अच्छा मिल रहा है, उन लोग का उम्मीद है हमसे कि अगर आती है अति में मेयर पद पे तो हम लोग के लिए कुछ करेंगे। 16 अप्रैल को जाना है ना वोट देने, तो मेयर पद में ईवीएम मशीन में क्रमांक संख्या 7 पर बन जा छाप पर ही बटन दबाइएगा। स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर एवं सुरक्षित मेदिनीनगर निर्माण के लिए मीना देवी को जिताएं, तभी तो होगा हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। हर हाथ शक्ति।